उमरियाबान पुलिस थाना परिसर में बने आवास में प्रधान आरक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या क्यों की है इसका कारण अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी अनिल काकड़े ने बताया कि दशरम निवासी सत्येंद्र शुक्ला 57 जिले के कुठला थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहे। रविवार दोपहर को जब उनका परिवार कटनी से वापस लौटा तब पता चला कि प्रधान आरक्षक ने फांसी लगाई है। जानकारी लगते ही SDOP मोनिका तिवारी भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। नायब तहसीलदार संदीप सिंह और SDOP मोनिका तिवारी की मौजूदगी में पंचनामा कराई गई है। उमरियापान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव प्रशिक्षण कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस को दी जानकारी के परिजनों ने बताया कि प्रधान आरक्षक सत्येंद्र दुबे के परिवार के अन्य सदस्य शनिवार कटनी गए थे। रात को जब घर में कोई नहीं था, खुद को अकेला पाकर दुपट्टा के फंदे में फांसी लगाकर प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस आवास में हुई घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना परिसर में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुठला थाना प्रभारी अरविंद जैन भी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।